हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवलांचे ब्लॉकचेन के बारे में, जिसका एविक्स नाम का टोकन है। उस क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो $66.43 के अराउंड चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पे जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही थी, उसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक किया। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद उसका पहला टारगेट था अराउंड $69 to $70 के अराउंड, वो उसने अचीव किया। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो 72.70 के अराउंड या $73 के अराउंड हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये ब्रेक करेगा देन $80 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली तो डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक कर चुका है, दूसरा पैटर्न जो हमारे पास बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास यहाँ पे देखने को बन रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे इस पॉइंट तक जाएगा, अराउंड $73 हम लेके चल सकते हैं। देन वापस थोड़ा सा मार्केट में डिप आएगी एंड उसके बाद ये वापस अपना एक पैटर्न जो है ये कंप्लीट कर लेगा। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट बनता है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द राइट शोल्डर, राइट। उसके बाद अगर हम ओवरऑल इस पैटर्न को कंसीडर ना भी करें तब भी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक बॉटम बन रही है। तो ये बॉटम भी अगर हम इसको कंसीडर करें तब भी $80 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे फोर आवर चार्ट की बात करें, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे नज़र में आ रही है। तो जो टारगेट है वो हम यहाँ पे 72.70 से लेके 73.50 तक के बीच में कोई भी टारगेट लेके चल सकते हैं, तो वो आपका टारगेट हो सकता है। तो अगर आपको बाय करना है, अगर ये आज थोड़ा लो पे मिलता है अराउंड $64.50 के अराउंड, अगर आपको ये दोबारा देखने को मिलता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। $61 पे मिले तो वेल एंड गुड, तब भी इसको उठाया जा सकता है। और उसके बाद बाय करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ही ये वापस $72.70 के अराउंड पहुँचे तो वहाँ पे आप अपनी होल्डिंग्स को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं देन आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे इसको सेल आउट कर सकते हैं और दोबारा वेट करें कि वापस ये $63 के अराउंड आपको देखने को मिले या $61 के अराउंड देखने को मिले। तो जैसे $61 के अराउंड आपको ये मिलता है देन आप वहाँ पे फिर से इसके ऊपर जो एंट्री है वो ली जा सकती है और फिर से टारगेट 72 और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है $80 का टारगेट लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से ये नीचे ही आएगा। उसके हिसाब से अगर ऐसा नहीं आता तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास एक बॉटम बन जाएगी। उस केस में सेकंड पॉसिबिलिटी हम ये लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी मेन यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से डायरेक्ट अगर 80 के ऊपर चलता है तो आपको 80 के ऊपर सेलिंग कर देनी है। 80 के ऊपर सेलिंग करने के बाद देन वेट कीजिए। अगर वापस नीचे आता है, अगर नहीं आता, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, तो वो आप अपना स्टॉप लॉस 80 के नीचे रख के चलेंगे। 79 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 80 तक का टारगेट आप लेके जा सकते हैं, राइट। सो ये आपको एविक्स की जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको उसी के अकॉर्डिंग मूव करना है। अब RSI वगैरह को देखते हैं कि वो इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं। सो इन केस अगर RSI को डे चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करें, सो यहाँ से हमारे पास RSI का ये पैटर्न देखने को बन रहा है। और अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करें, सो यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। और ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। और यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्लियरली हमें डाइवर्जेंस यहाँ पे मिली थी और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गई थी। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें कन्फर्मेशन मिल गई थी। यहाँ पे डाइवर्जेंस को उसने यहाँ से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद इसको जो था वो उल्टा ही चलना था। तो अगर ये RSI डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद RSI आपकी अप ट्रेंड में जाएगी। तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस जो थी वो यहाँ से हमें पता चल गई थी और एंट्री जो थी वो यहाँ पे $54-$55 के अराउंड क्लियरली ली जा सकती थी। तो RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी वजह से डाइवर्जेंस हुआ
और बहुत ही बुलिश हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, उसके बाद एक बॉटम भी बन चुकी है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पे भी एक बॉटम बन रही है। तो RSI अभी भी अगर हम कंसिडर करें तो स्टिल 62 के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर हम RSI की बात करें तो 97 के ऊपर पहुँच गया था। ये 97 बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि RSI आपका 97 के ऊपर चला जाए, मतलब इतनी स्ट्रांग बाइंग थी। उसके बाद 97 के बाद सीधा RSI आपका 64 पे गया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेनी चाहिए थी। ये भी जो चांसेस होते हैं बहुत रेयर मिलते हैं कि आपको इस तरह के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ से बहुत जल्दी क्विक प्रॉफिट जो है वो लिया जा सकता था, राइट। सो ये पूरी की पूरी एवेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सो अभी अगर आपको इसमें पोजीशन लेनी है तो आप देख सकते हैं, आपको सारे टारगेट यहाँ पे रेड लाइन के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी जो भी पोजीशंस लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एवेक्स क्रिप्टो करेंसी। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और कॉइन या टोकन के बारे में जानना चाहते हो इंस्टाग्राम पर मेरे को DM कीजिए, या आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। Thank you.